साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए जनरली काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स लगते हैं, जैसे कि कोई सेवरल किलोमीटर्स लंबा पार्टिकल एक्सीलरेटर या कोई बहुत ही हाई फाई स्लो मोशन या इंफ्रारेड कैमरा या कोई कटिंग एज लेजर टेक्नोलॉजी या बहुत हाई कंप्यूटिंग पावर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? वेल, नॉट ऑलवेज. हाय, मैं वर्धन डागा और ये मेरे फेक ग्लासेस हैं जो कि मुझे बहुत ही कूल और नडी बनाते हैं. 2004 में एक टीम ऑफ साइंटिस्ट्स ने ग्राफीन को आइसोलेट किया. नाउ ग्राफीन एक बहुत ही तोड़ू मटेरियल है. ये एक बहुत ही एफिशिएंट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का एंड ये बहुत हार्ड भी है. इट्स 200 टाइम्स हार्डर देन स्टील. एक हाथी भी अगर इसके ऊपर खड़ा हो जाएगा तो ये टूटेगा नहीं. बेसिकली ये मटेरियल हमारे टेक्नोलॉजी में एकदम से रेवोल्यूशन ला सकता है. ये सिलिकॉन को रिप्लेस करके हमारे कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, फोन्स एक्सेट्रा का कंप्यूटिंग पावर एंड हेंस एफिशिएंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है. एंड ग्राफीन बेसिकली एक कार्बन का फॉर्म है, द सेम वे डायमंड एक कार्बन का फॉर्म है और ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म है. एंड इनफैक्ट ग्राफीन ग्रेफाइट से ही आता है, ग्रेफाइट जो कि हम पेंसिल की लेड में यूज करते हैं. एंड ग्राफीन इज ग्रेफाइट का सिंगल लेयर है, एक सिंगल पतला सा लेयर ऑफ कार्बन एटम्स एंड इसीलिए इसके इतने सारे तोड़ू प्रॉपर्टीज हैं. सो इस ग्रेफाइट से इस एक सिंगल लेयर ऑफ ग्राफीन को 2004 में एक्सट्रैक्ट किया गया था एंड ये किसी बहुत ही प्रिसाइज नैनोमीटर स्केल के लेजर कटर से किया गया होगा, राइट? नहीं, ये एक पेंसिल और एक सेलोटेप से किया गया था. बेसिकली साइंटिस्ट्स ने ग्रेफाइट का एक फ्लेक एक सेलोटेप में डाला और फिर एक नया सेलोटेप लेके इस पुराने फ्लेक को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया, फिर एक और नया सेलोटेप लिया और अब इस फ्लेक को ऐसे करके एक्सट्रैक्ट किया एंड वो इस प्रोसेस को रिपीट करते गए एंड इन द एंड उन्हें एक प्योर लेयर ऑफ कार्बन एटम्स मिला जो कि ग्राफीन था. फैसिनेटिंग, isn't it? और फिर ये साइंटिस्ट ने इस ग्राफीन की प्रॉपर्टीज को स्टडी की और उसके ऊपर काफी सारे पेपर पब्लिश किए एंड फाइनली उनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया. सो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस बात को करीबन 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो अब भी ग्राफीन हमारे एवरीडे लाइफ में क्यों नहीं आया है? वेल, बिकॉज एक इंडस्ट्रियल स्केल में यानी कि एक लार्ज स्केल में ग्राफीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अभी भी हमारे पास कोई रिलायबल मेथड नहीं है. ये पेंसिल और सेलोटेप वाला तरीका लैब के लिए अच्छा है लेकिन ये तरीका फैक्ट्रीज में नहीं चलने वाला है. एंड अब साइंटिस्ट्स एक ऐसे टेक्निक की खोज में लगे हुए हैं जिससे कि वो बहुत सारा ग्राफीन एक बार में एक्सट्रैक्ट कर सके एंड मैं भी इस टेक्निक के लिए बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. सो तब तक के लिए अलविदा.